भारत में कोविड-19 का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है और पिछले कई दिनों से रोजाना मरीजों की संख्या 2 लाख से ऊपर आ रही है। इस बीच देश में कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केस में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि ओमिक्रॉन वेरिएंट उतना घातक नहीं है, लेकिन मामलों की बढ़ती संख्या चिंता का कारण बनी हुई है। वहीं बहुत से लोग ओमिक्रॉन को आम सर्दी जुकाम समझने की गलती कर रहे हैं और आराम से घूम रहे हैं और इस वजह से संक्रमण बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहां आपको बताएंगे कि ओमिक्रॉन वो कौन से लक्षण है जिनके दिखते ही आप सावधान हो जाए और सावधानी बरतना शुरू कर दे। क्या है ओमिक्रॉन के आम लक्षण? ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण से बचने के लिए इसके सभी लक्षणों के बारे में जानकार रखना जरूरी है। वहीं खांसी, थकान और नाक बहना ओमिक्रॉन वेरिएंट के आम लक्षण हैं। कुछ ऐसे लक्षण भी हैं जिन्हें आम वायरल समझने की गलती ना करें। गले में खराश एक ऐसा लक्षण है जो ओमिक्रॉन वेरिएंट के लक्षण में सबसे आगे है। इसमें गले में दर्द और जलन हो सकती है। सिर दर्द एक ऐसी स्थिति है जो कई कारणों से हो सकता है, लेकिन ये ओमिक्रॉन का भी एक लक्षण है। इसलिए अगर आपको भी लगातार सिर दर्द की शिकायत हो तो इसे हल्के में ना लें, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नाक बहना। ज्यादातर ओमिक्रॉन के लक्षण एक सामान्य सर्दी या फ्लू के साथ मेल खाते हैं, जिससे ये बताना मुश्किल हो रहा है क्या किसी को कोविड-19 है या आम सर्दी। वहीं नाक बहना ओमिक्रॉन से जुड़ा एक लक्षण है। ऐसे में अगर लगातार 4-5 दिन तक नाक बहने की समस्या बनी हुई है तो आप ओमिक्रॉन से संक्रमित हो सकते हैं। संक्रमण से बचने के लिए करें ये काम। कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचने के लिए मास्क पहनना सबसे अच्छा तरीका है। वहीं कोरोना नियमों का पालन करके आप इस संक्रमण की चपेट में आने से बच सकते हैं। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।